नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएगी 123 संपत्तियां। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है और अब वक्फ बोर्ड के पास से 123 संपत्तियां वापस ली जाएगी जो मनमोहन सरकार के दौरान इन्हें दे दी गई थी। लिस्ट में दिल्ली की जमा मस्जिद भी शामिल है। जी आपने सही सुना, दिल्ली की जमा मस्जिद का नाम शामिल है। कौन कौन से लिस्ट में नाम शामिल है, क्यों लिया गया, बड़ा फैसला, विस्तार से समझिए। तो केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी। जिस मस्जिद को वापस लिया जाना है वह लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद नहीं है। यह जामा मस्जिद सेंट्रल दिल्ली में स्थित केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी भी दी थी। जिन संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया है वे पहले कभी ना कभी सरकार के पास ही थी। मनमोहन सरकार के दौरान इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस में उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बता सके कि इन संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट को से भी उन्हें वक्फ बोर्ड को जो है राहत नहीं मिली थी। बता दें आपको, वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा ना करे, लेकिन बीती मई में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्ति आपको मिलनी चाहिए तो जरूरी कागजात पेश करें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के आदेश के बाद नई दिल्ली जमा मस्जिद की दीवार पर एक नोटिस चिपकाया गया है। नोटिस में कहा गया था कि इस संपत्ति पर अपना दावा करने वाले लोग निरीक्षण के दौरान अपने दावे को साबित करने के लिए तैयार रहे। उन्हें संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और नक्शे जमा करने होंगे। इस नोटिस को लेकर जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मस्जिद की को कोई खतरा नहीं है, उनके पास मस्जिद से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। नदवी ने कहा कि जामा मस्जिद के निरीक्षण के दौरान मीडिया भी रहेगी तो अच्छा होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड से जुड़ी 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन संपत्तियों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह शामिल है। इसको लेकर मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान को भी नोटिस जारी किया है। यही नहीं, मंत्रालय ने सभी 123 संपत्तियों के बाहर नोटिस भी जो है चिपका दिए। इस पर मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने कहा था कि रिटायर्ड जस्टिस SP गर्ग की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर कहा था कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। समिति की सिफारिश पर केंद्र इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका जो है दायर की थी। इस याचिका में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों के निरीक्षण और तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन मई 2023 में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि सभी संपत्तियां कांग्रेस सरकार के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। इन संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। अगस्त 2014 में हाईकोर्ट ने आदेश का पालन करते हुए मंत्रालय ने हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस SP गर्ग की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सभी हितधारकों और प्रावधानों का पक्ष को सुनने के बाद केंद्र सरकार से इन संपत्तियों को लेकर जो है अपने नियंत्रण में लेने की सिफारिश भी की थी। इस सिफारिश पर अमल करते हुए
केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने का निर्णय भी लिया है। अब ऐसे में जैसा कि हमने आपको बताया कि 123 संपत्तियां हैं जिन संपत्तियों को अब वापस ले लेगी केंद्र सरकार, और इसे ही लेकर नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी इसमें शामिल है। कागजात पेश करने के लिए बोला गया है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। बता दें आपको कि कांग्रेस ने उस वक्त वोट की राजनीति करने के चक्कर में इस तरीके से काम किया था। जरा हम आपको इसका इतिहास भी बताते हैं, जरा आपको हिस्ट्री भी बताते हैं कि कैसे ये मिला। दरअसल जब ब्रिटिश यहाँ पर साम्राज्य था, जब ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार थी, तब उन्होंने 123 प्रॉपर्टीज जो है 911 से 915 के बीच में अक्वायर किया था, यानी उनके पास थी। उसके बाद जो इंडिया की सरकार बनी, उसके बाद नेहरू की जो सरकार थी, उसके बाद ये जो है स्वतंत्रता के बाद ये प्रॉपर्टी इनके पास चली आई। इसके बाद क्या हुआ, 1970 में ये 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ द्वारा ये कहा गया कि ये जो है 31 दिसंबर 1970 के अंडर वक्फ एक्ट 1954 के अंडर उन्होंने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति है। कि DDANLFDO चैलेंज जो है, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया और इसके बाद 123 प्रॉपर्टीज इनके नहीं है बात कही। फिर 1974 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने एक कमिटी बनाई, वो भी किसके अध्यक्षता में, एस एम बर्ने को। उन्होंने ये पूरा मामला बताया और इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को ये कहा कि ये जो है वक्फ बोर्ड जो है क्लेम कर रही है, इस पर क्या रिकमेंडेशन बनाएंगे। अब ये सोचो कि इन्होंने जिस अध्यक्ष बनाया वो दरअसल ऑलरेडी, अगर हम आपको बता दें कि वो ऑलरेडी दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, तो जाहिर सी बात है निष्पक्ष तरीके से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और आखिरकार मार्च 23, 1976 में बर्नी की जो कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस 123 सरकारी जो प्रॉपर्टीज थी इसे वक्फ के हवाले कर दिया, उसके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने जो है इसे बिना किसी नोक नोक, बिना किसी आप कह सकते हैं इस पर आगे का कुछ फैसला लिया या इस पर जांच किए हुए, बस उन्हें सरकार जो है चलानी थी, उन्हें वोट की राजनीति करनी थी, तो कांग्रेस की सरकार ने इसे क्या किया, इसे वापस कर दिया वक्फ बोर्ड को, इसे दे दिया उन्होंने। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है ये वक्फ बोर्ड के अंदर चली आई। यानी अगर इन शॉर्ट देखेंगे तो ये पूरी तरीके से सरकारी ही जमीन थी जिसे वक्फ बोर्ड को कांग्रेस द्वारा दे दिया गया था, दान दे दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो 1984 में कांग्रेस ने 123 प्रॉपर्टीज को DWD एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो है इसे लीज पर दे दिया और इस पर जो एनुअल रेंट डाला, यानी साल का जो रेंट डाला वो डाला ₹1 पर एकड़। जी हाँ, पर एकड़ का ₹1 जो है रेंट डालते हुए इन्होंने इसे दान कर दिया। जिसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है विश्व जो है इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है इस पर क्लेम भी किया गया था। उसके बाद अब वक्फ बोर्ड को राहत नहीं मिली थी और अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में बड़ा फैसला लेते हुए 123 प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी कर दिया है और कागजात दिखाने की बात कही है, वरना ये सारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड से वापस ले ली जाएगी और ये सरकारी जमीन कहलाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब इसकी कार्रवाइयाँ शुरू होती है तो किन किन के जो है प्रॉपर्टीज के इनके पास कागजात मौजूद रहते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टीज के कागजात नहीं दे पाते हैं, नहीं पेश कर पाते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले को हमने आपको संक्षेप में बताया और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।